बेटे आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है भूमंडलीय तापन, यानी जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। वो पृथ्वी का तापमान बढ़ना एक चिंता के विषय है, इसीलिए इस पर हम आज बात करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसे समझे उससे पहले जरा कुछ चीजें समझ लें। कल हमने जो वीडियो करा था उसमें देखा था कुछ कि पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, सबसे तीसरे नंबर का, इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 32 सेकंड लगते हैं, और सूर्य से जो प्रकाश, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो है 15 करोड़ किलो। इतना याद है। अब जरा पृथ्वी के बारे में बात कर लें, ये ग्लोबल वार्मिंग पढ़े पहले इसके बारे में समझ लें। पृथ्वी जो ग्रह है इसके 71% भाग पर क्या है? पानी। क्या है? पानी। और 29% है लैंड। लैंड मतलब भूमि। उस 29%, इसीलिए जो 71% पानी है इसीलिए इसे कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। 29% भाग में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। उन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है एशिया, और एशिया महाद्वीप में है हमारा देश भारत। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इधर ही आ जाते हैं। तो 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब जैसे सूर्य का जो प्रकाश वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आता है और कुछ वापस चला जाता है, कुछ रह जाता है, इसका क्या कारण है वो देख लो। ये पृथ्वी है हमारी, आपको दिख रही? पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। वायुमंडल का काम क्या है ये देख रहे? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प भी होता है, कुछ गैसेस होती हैं, उनका वायुमंडल बना हुआ होता है। उसका काम क्या होता है कि जब सूर्य से जो प्रकाश आया, गर्मी आई, वो क्या किया? पृथ्वी पर गया। पृथ्वी पर जाने के बाद ये देखो फिर से रोक लिया, और जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, बैंगनी कलर बनाया, ये जो है हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है जो, वो रोक लेती है। ये बहुत हानिकारक है, अगर ये पृथ्वी पर आएगी तो हमें स्किन कैंसर ऐसी बहुत सी खतरनाक बीमारियां होने लगेंगी, उसे ये परत रोक लेती है। तो ये जाने देते, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें जाने देती। लेकिन क्या है कि ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस, इन गैसों को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये गैसें क्या करती है? सूर्य का जो तापमान आता है, एक निश्चित तापमान आए उसके बाद चला जाए तब तो सूर्य का तापमान सही रहेगा। और जैसे ये हमारे पौधे, मान लो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ठीक है, अभी गर्मी का मौसम आता है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो ये जलने लगते हैं। तो उसे इसकी वजह ये होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक तापमान निश्चित मात्रा में चाहिए, हद से ज्यादा नहीं चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही देखते हैं कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती तो सहन करना मुश्किल, 40 के पार टेम्परेचर चला गया। जैसे इस समय बारिश हो रही है, बारिश में क्या आलम है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही, कि जैसे अमेरिका का एक हिस्सा मतलब पानी में कहते डूबा है, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क और शिकागो साइड है, और पश्चिमी हिस्सा जो कैलिफोर्निया, वहां आग लगी है, इतनी गर्मी है। ये भी कारण किसका है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा समस्या ये है, सबसे बड़ी, कि ये जब तापमान बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बर्फ, वो क्या है? पिघलेगी। जब वो बर्फ पिघलेगी तो उसका पानी किसमें जाएगा? नदियों में। जब नदियों में जाएगा तो नदियों में क्या आएगी? बाढ़ आएगी, तो पानी घुसेगा घरों में, और घरों में जब पानी घुसेगा तो उससे फैलेंगी बीमारियां फैलेंगी। और वही पानी जब समुद्र में जाएगा उसके बाद किसमें जाएगा? अब समुद्र का भी तो स्तर बढ़ेगा, और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जो समुद्र के किनारे देश है, द्वीप है, वो भी डूब जाएंगे। अगर ज्यादा बढ़ेगा, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि शताब्दी के लास्ट में क्या होगा कि इसका तापमान लगभग कहीं दिखाया जाता है कि 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, कहीं बता रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसका तापमान इस तरह से बढ़ेगा तो ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघलेंगे, और बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो पता चलेगा जो आसपास के लोग रहने वाले थे हमारे मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया, वो भी डूब जाएगा। जितने समुद्री तट के किनारे जो देश, मतलब जो भी जगह है जो लोग रहते हैं, चाहे वो द्वीप हो चाहे देश हो, वो भी सब डूब जाएंगे। जब वो लोग वो जगह वहां डूब जाएंगे, वहां से निकल के आएंगे, उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, नई जगह चाहिए, नया खाना चाहिए, आवास चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर वो पेड़ों को काटेंगे, फिर प्रदूषण फैलाएंगे, फिर समस्याएं और बढ़ेंगी। तो इस ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और ये जो हो रहा है, जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियां लगी हैं, या जैसे भट्टे लगे हुए हैं, या हम आग जलाते हैं, इन सब चीजों से जो गैसें बनती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करती हैं? इसमें सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? जो धुएं से पैदा होती है। देखा आप, आग जलाएं, मोटरसाइकिल हो, भट्टे से धुआं निकलता, फैक्ट्रियों से निकलता, ये सबसे खतरनाक है।
ये जो गैस है ये क्या करती है, जो सूर्य का प्रकाश आया उसे सोख लेती है, बाहर नहीं आने देती। और इससे क्या होता कि तापमान आया बाहर नहीं गया, तो हमारे वायुमंडल में रहा और बढ़ता चला गया। उससे क्या होता, हमारे जो इसका तापमान है वो क्या बढ़ने लगा। अब बढ़, जब ये ज्यादा सोखेगी, वैसे तो इसका निराकरण कौन करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, जितनी भी दूषित वायु है उनको सबको सोख लेते हैं और हमें क्या देते हैं, प्राण वायु और भोजन। और लेकिन जब हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए हर चीज के लिए जरूरत पड़ेगा, तो हम पेड़ों को क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और विकास के नाम पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। और जब तापमान यूं ही बढ़ता चला जाए, बहुत ज्यादा गर्मी, अभी देखो कितनी गर्मी थी, आदमी को निकलना मुश्किल, सर्दी होगी तो अति, बरसात होगी तो पूरी बाढ़ में डूबने लगे। इन सब चीजों का संतुलन बनाने का सिर्फ ही सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। क्या लगाएं, पौधे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, नहीं उनको देखें भी, उनकी देखभाल भी करें, तभी तैयार होंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान है पेड़ लगाना। और ये समस्याएं तैयार भी हम ही लोगों ने की है, हम ही लोगों ने की है, चाहे वो गाड़ियों से, चाहे धुआं करके, चाहे आग जला के, चाहे किसी से भी, तरह तरह प्रयोग करके हमने अपने वातावरण को क्या कर दिया है, एकदम दूषित। उसे शुद्ध करने का एकमात्र तरीका क्या है, केवल आपको पौधे लगाने हैं, वो सारा काम खुद ही कर देंगे। तो ये जो गैसें हैं, जो सबसे अहम गैस है उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, और एक जल वाष्प भी होता है, जल जल वाष्प, ठीक। उसके बाद कुछ डेट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, जैसे एक है 5 जून, क्या मनाया जाता, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 22 मार्च, जल दिवस। ये 4 डेट भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कल हमारा क्या है, ओजोन दिवस। इनमें से भी कोई प्रश्न नहीं आ सकता है, ठीक है। इतनी नॉलेज इस टॉपिक की हमें चाहिए। और उसमें जो ये परतें होती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में जो परतें होती है, 5 क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि 0 से 12 किलोमीटर तक लगभग होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, जितनी भी घटनाएं होती, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, वो सब किसमें होता है, उससे ऊपर होता है संताप मंडल। इसी मंडल में पाई जाती है हमारी ओजोन परत, ये होती है 12 से 50 किलोमीटर तक, 12 से 50 किलोमीटर तक। इसमें प्लेन उड़ते हैं, जितने हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते, इसमें। उससे ऊपर होता है मध्य मंडल, इसमें जो है जो सैटेलाइट में जिससे सिग्नल आता है फोन में या इसमें सब में, वो प्रक्षेपित किए जाते हैं, और उसके ऊपर से सब चीजें रॉकेट वगैरह, बस इतने है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनता है, पहला ये कि जो ओजोन परत है वो कौन सी किरणों को सोख लेती, तो वो है परावैगनी किरणें। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस जो सबसे खतरनाक है, जो तापमान ऑक्साइड, ठीक। इससे बचाव क्या है, पेड़ पौधे लगाना, और कोई सोल्यूशन नहीं है। और इन गैसों की मात्रा बढ़ती है तो वो जो उस प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, और उस प्रभाव की वजह से समस्या खड़ी होती है उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमंडलीय तापन, ठीक। इतना ही इस टॉपिक में है, ठीक है, समझ में आया, कर लेंगे। कितने लोग कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है, गुड लक।